दोस्तों बात तब की है जब मैं गर्मी छुट्टियों में अपने घर गया हुआ था। डालते डालते सबसे पहले मैं पहुंचा हूँ उस बगीचे में जो हम लोगों ने लॉकडाउन के टाइम लगाया था। इतने छोटे छोटे पौधे थे, अब देखिए कितने लंबे लंबे हो चुके हैं। और इस बगीचे में सिर्फ महोगनी के पेड़ वगैरह हैं। तो उसके बाद मुझे कच्चा आम हमने के भाषा में टिकोड़ा खाने का मन करता है। तो आम के बगीचे में पहुंचता हूं तो देखता हूं कि तीन लड़के मिलकर आम तोड़ रहे थे। अब आम को देखकर मेरे मुंह में भी पानी आ जाता है। मैं वहां पहुंचकर उन तीनों को आम तोड़ने में मदद भी करता हूं। तो गाइस, इस लड़के का टैलेंट एक हाथ से लगी पकड़ता है और दूसरे हाथ से आम कैच कर लेता है। तो मैं भी ऐसा करने की कोशिश करता हूं लेकिन मैं नाकामयाब रहता हूं। दो लड़के मिलकर उस आम को तोड़ रहे थे और छोटा लड़का जो आम उठाकर कैरेट में रख रहा था। थोड़ी ही देर में हम लोग मिलकर बहुत सारा आम तोड़ते हैं। ये देखिए नीचे जो आप लोगों को दिख रहा है पत्ता नहीं बल्कि आम है। उसके बाद वो लड़के मिलकर उस आम को कैरेट में कसते हैं। उसके बाद हम भी उसमें से पका हुआ गजपकू आम का आनंद लेते हैं। तो भैया गाँव में रहला के यह था फायदा हुआ कि गाछ पके पागल पागल आम खाए के मिला था। वही से जब भी हमारे गर्मी छुट्टी होला तो हम अपना घर पहुंच जानी अपने गाँव में। तो भाई गजपकू आम देख के अगर मुंह में पानी आ गए तो वीडियो लाइक करा, अगला सीजन सबके आम खिलाई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बोलो जुबा भोजपुरी।